बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के प्रोजेक्ट्स पर सभी की नजरें रहती है। वैसे उम्मीद तो आमिर खान को लाल सिंह चड्ढा से भी बहुत थी, आखिर वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो था, लेकिन क्या करें, वो फिल्म चल ही नहीं पाई। और बस तभी से आमिर खान बिग स्क्रीन से थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं। आमिर खान को लाल सिंह चड्ढा के ना परफॉर्म करने का बहुत बड़ा झटका लगा था। कहा तो ये भी गया था कि आमिर खान शायद कुछ टाइम के लिए इंडिया से बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी इन सब से दूर रहना चाहते हैं। वैसे आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के बाद काजोल की फिल्म सलाम वेंकी में भी नजर आए थे। हाँ, रोल उनका उसमें कैमियो का ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद ही आमिर खान ने फिल्म से ब्रेक ले लिया था। अब हाल ही में आमिर खान पंजाबी एक्टर्स गिप्पी ग्रेवाल और सोनम बाजवा के साथ उनकी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 की स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे। यहाँ पर वो भांगड़ा करते हुए भी नजर आए और अच्छे मूड में भी, और उसके बाद ही उन्होंने की मीडिया से भी बात। अब जब आमिर खान हो तो उनकी फिल्म्स पर तो बातें होंगी ही। इस दौरान जब आमिर खान से फिल्मों में वापसी करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वो किसी भी फिल्म के लिए अभी तैयार नहीं है। आमिर खान ने कहा, वैसे तो हमें आज सिर्फ कैरी ऑन जट्टा 3 के बारे में ही बात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप सभी इतने उत्सुक हैं तो चलिए मैं आपको आज जल्दी से जवाब दे ही देता हूँ। मैंने अभी तक कोई भी फिल्म करने का फैसला फिलहाल नहीं किया है। मैं अभी अपने परिवार के साथ ही टाइम बिताना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं फिलहाल यही करना चाहता हूँ। जब मैं भावनात्मक रूप से यानी कि इमोशनली तैयार हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से फिल्म भी करूंगा। अब ये सुनने के बाद फैंस थोड़े परेशान हो चुके हैं। फैंस अब अपनी अपनी तरह से आमिर खान के स्टेटमेंट पर रिएक्शंस देने लगे हैं। कोई कह रहा है कि आमिर खान को पता है लोग हर मूवी में हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए अभी अच्छा है कि अभी वो कोई फिल्म ही ना करे। तो कोई कह रहा है कि लाल सिंह चड्ढा सच में एक अच्छी फिल्म थी और आमिर खान की परफॉर्मेंस भी उसमें काफी अच्छी थी। तो किसी ने ये कह दिया कि ये सिर्फ एक फेज है। वैसे हम भी कहीं ना कहीं यार यही होप करते हैं कि ये एक फेज ही हो और आमिर खान जल्दी से अपने अगले प्रोजेक्ट की भी अनाउंसमेंट कर दे। वैसे चाहे लाल सिंह चड्ढा थिएटर्स में ना चल पाई हो या फिर ठीक ठाक ही चली हो, लेकिन OTT पर आने के बाद लोगों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया। खैर, अब देखते हैं कि अगली फिल्म आमिर खान फिलहाल कौन सी करते हैं। वैसे अभी एक और खबर भी सामने आई थी कि आमिर खान एक चैंपियंस नाम की फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये फिल्म एक स्पैनिश फिल्म का हिंदी रीमेक होगा और इसमें आमिर खान सलमान खान को बहुत मन से लेना चाहते थे, लेकिन सलमान खान की अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेट्स की वजह से ये नहीं हो पाया और फाइनली ये रोल आमिर खान ने ऑफर कर दिया है रणबीर कपूर को। आपको बता दें कि PK के बाद रणबीर कपूर और आमिर खान इस प्रोजेक्ट में फिलहाल साथ में नजर आ सकते हैं। बाकी इसी के साथ गाइस अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए ENT Live। अगर ये अपडेट पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर भी जरूर करना।